करेंगे और लिखेंगे भी। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज हम अपना काम। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम राइट करेंगे ऊपर हेडिंग सब्जियों के नाम, ठीक है। और नंबर वन पे हम लिखेंगे कौन सी सब्जी होती है बताइए मुझे, हम खाते हैं जो हम, कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं जो हम खाते हैं और हिंदी में हम उनको बोलते हैं सब्जियों के नाम। तो नंबर वन पे हम लिखेंगे पालक, आप आ की मात्रा में पालक लिख चुके हैं, अब हम सब्जियों के नाम में लिखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, आपने बोल बोल कर अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। प आ क्या बना, पा ल क क्या बन गया, पालक। और आपने यहां पे पालक की पिक्चर भी बनानी है, ओके। ठीक है मेरे बच्चों, नंबर टू पे हम राइट करेंगे गाजर, हम गाजर भी खाते हैं वेजिटेबल में, मम्मा बनाती है ना गाजर की वेजिटेबल, और उसको हम रो भी खाते हैं, कच्ची भी खाते हैं सैलेड में, तो हम यहां लिखेंगे गाजर। और आपने साथ साथ स्पीक भी करना है, ग आ ज र गाजर, और आपने यहां पे गाजर की पिक्चर भी बनानी है, ठीक है मेरे बच्चों। नंबर थ्री पे हम लिखेंगे नेक्स्ट वेजिटेबल नेम, बताइए पहले आप लिख चुके हैं उसको चार वर्णों के जोड़ में, बताइए अदरक, क्या लिखेंगे हम अदरक, अदरक भी हमारी वेजिटेबल है ना, हम हर वेजिटेबल में अदरक को डालते हैं, राइट। अ ध स्पीक विद मी, र का क्या बन गया, अदरक। और यहां पे हम अदरक की पिक्चर भी बनाएंगे, यस, क्या है ये, व्हाट इज दिस, अदरक, ओके। नंबर फोर पे हम कौन सी वेजिटेबल लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं शलगम, शलगम, शलगम की भी हम वेजिटेबल बनाते हैं और उसको हम रॉ भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, तो वी विल राइट हियर शलगम, ओके। श ल ग म, आपने साथ साथ बोलना है, आफ्टर दैट राइट करना है, ओके। यहां पे हम बनाएंगे शलगम की पिक्चर, ओके, और आपने खुद से अपनी पिक्चर्स बनानी है, ओके बच्चों। शलगम, ओके प्यारे बच्चों, तो आपने बोलना भी है और साथ साथ लिखना भी है, ओके। नंबर फाइव पे हम लिखेंगे मटर, ओके, मटर भी आप पहले राइट कर चुके हैं, आपको आता है तीन वर्णों के जोड़ में, म ट र, और मटर एक हमारी वेजिटेबल है, सब्जी है, राइट, मटर। और इधर हम मटर की पिक्चर भी बनाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, स्पीक विद मी अगेन, म ट र मटर, वेरी गुड। नंबर सिक्स पे हम राइट करेंगे टमाटर, और टमाटर हमारा हर वेजिटेबल में डलता है ना, स्पीक विद मी, ट म आ ट र टमाटर। और यहां पे हम टमाटर की पिक्चर भी बनाएंगे, ओके।
आपने इन्हीं सारी सब्जियों के चित्र खुद से अपनी नोटबुक में बनाने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और नंबर 7 हम राइट करेंगे, बताइए और कौन सी वेजिटेबल होती है? परवल। मेरे साथ साथ बोलिए और लिखिए, प र व ल, परवल। और यहां पे हम परवल की पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे। परवल ऐसे होते हैं गोल गोल लाइक, ठीक है, और उसकी वेजिटेबल बनती है। नंबर 8 पे हम राइट करेंगे, कौन सी वेजिटेबल है जो हर वेजिटेबल में डलती है? टमाटर के साथ क्या डलता है? प्याज। क्या डलता है? प्याज। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, प्याज में हम आधा प लिखेंगे, देखिए ध्यान से। प में हमने, प्याज में हमने प सिर्फ इतना डालना है, उसकी स्टैंडिंग लाइन नहीं डालनी है, ठीक है। इसको हम आधा प बोलते हैं, जो कि प्याज में आधा प लिखा जाता है, ठीक है। प आफ्टर दैट हम लिखेंगे य आ ज, तो ये क्या बन गया? प्याज, ठीक है। तो इधर हम प्याज की, प्याज को इंग्लिश में बोलते हैं ना अनियन, है ना। तो अपने ध्यान से जब आपने प्याज लिखना है, उसमें आधा पर डालना है, उसकी स्टैंडिंग लाइन नहीं डालनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपने इन सब्जियों के नाम याद करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और मुझे अपनी नोटबुक का ट्रिक सेंड करना है।